नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं। जी हां, आपने इस टॉपिक को मेरे YouTube थंबनेल से समझ लिया होगा कि मैं आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो सबकी एक दुखती रग है, मतलब पिन पॉइंट है। जो भी इस इंडस्ट्री में है, जो आई टी इंडस्ट्री में है या फिर जो CCTV के इस इंडस्ट्री के अंदर है, तो सब लोगों को एक ही प्रॉब्लम आती है। और जी हाँ, वो प्रॉब्लम मुझे कैसे पता चली, वैसे तो मैं इस बिजनेस में हूँ तो मुझे ऑलरेडी पता है, लेकिन इंस्टाग्राम पर जब हमारे लाइव सेशंस होते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग होती है, जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, तो उसमें से कई लोग एक ही सवाल उठाते हैं कि सर, इस इंडस्ट्री में अब कुछ रहा नहीं है, इस इंडस्ट्री का जो प्राइस मार्केट है वो ओपन हो चुका है, सब एक दूसरे का गला काट रहे हैं और ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मार्जिन बचे नहीं हैं, कोटेशंस बहुत कम जाते हैं, कोटेशन फाइनल नहीं होते हैं और हमारी इंडस्ट्री के लोग हमारी बैंड बजाने में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको ऐसी ट्रिक आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं जिसके अंदर कि आपका जो कन्वर्जन रेशियो है वो 80% को भी क्रॉस कर जाएगा। जी हाँ, ये सब चीज़ें मैंने अप्लाई की हैं और आज की तारीख में अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो कन्वर्जन रेशियो है वो 80% से भी प्लस है। मतलब कि अगर मैं कहीं पर 10 कोटेशंस देता हूँ तो वहां पर मेरे 8 से भी ज्यादा कोटेशन फाइनल हो जाते हैं। मैं कौन सी ट्रिक यूज करता हूं, जानना चाहोगे आप? अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि कितने आप में से लोग हैं जो कि अपने कन्वर्जन रेशो को बढ़ाना चाहते हैं। So, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों को पता है कि मैं आता हूं हर रविवार रात को 9 बजे इंस्टाग्राम पर लाइव, जहां पर आप लोगों से मैं बहुत सारी बातें करता हूं और बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल के आते हैं आपके साथ में। मेरा आईडी है भरत_KJN, जाइए फॉलो करिए। और जो लोग मेरे से पेड कंसल्टिंग चाहते हैं, जी हाँ, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, हैंड हेल्ड सपोर्ट दे सकता हूँ आपके प्रोजेक्ट कंसल्टिंग के अंदर, अगर आपके पास में कोई बड़ा प्रोजेक्ट है और अगर आप मेरे साथ में कुछ प्राइवेसी वाली चीज़ों के अंदर एविडेंस कलेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी मैं आपको बहुत सारे सपोर्ट दे सकता हूँ। इसी तरह से और भी मैं बिजनेस कंसल्टिंग दे सकता हूँ, जैसे आज का वीडियो है, पहले के वीडियो है, और इन डेप्थ और कोई चीज़ आप मेरे साथ में जानना चाहते हैं अपने बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए, तो जो हमारी वेबसाइट है askbharatjain.com और ये नंबर है, वहां पर आप कॉल करके पता लगा सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके साथ में दो तरह की चीजें होती हैं आपके बिजनेस में। एक होता है कि आपके पास में लीड्स ही नहीं आ रही है। ओके, लीड्स मतलब आपको कोई कॉल ही नहीं आ रहा है कि भाई मुझे कैमराज लगवाने हैं, मुझे सिस्टम्स लगवाने हैं, आपके पास में कोई ज्यादा चीज़ें नहीं हैं। तो इसके लिए तो आज का वीडियो नहीं है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि मैंने 12 टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी। इस वीडियो में आई बटन में दे रहा हूँ, जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए कि आप मैक्सिमम लीड कैसे इनवाइट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, ताकि आप वहाँ पर जाएँ एटलीस्ट कोटेशन देने के लिए। ओके, और आज का जो वीडियो है वो है हमारा कन्वर्जन रेशो पर। जी हाँ, अगर आप वहाँ पर आपके पास में लीड्स हैं, आप वहाँ पर जाते हैं, लेकिन आपके पास में क्लाइंट बोलता है, आपको बोलता है कि यार सोच के बताता हूँ, पापा से पूछना पड़ेगा, भाई से पूछना पड़ेगा, या फिर बोलेगा आपकी रेट बहुत ज़्यादा है, तो अगर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं अगर उसको फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो अगर सबसे पहले बात करें तो पहला कंडीशन देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि कई बार हमारे पास में कुछ लोगों का फ़ोन आता है और वो ये कहते हैं हमें कि हमें कैमरा सिस्टम लगवाने हैं, 4 कैमरा लगाने हैं, 8 कैमरा लगाने हैं, क्या प्राइस होगी? और आप चुपचाप बोल देते हो, हाँ जी हम लगाते हैं कैमरा सिस्टम और जो हमारी प्राइस है वो आपको 15,000 रुपये पड़ेगी। सो नेवर डू दैट। फोन के ऊपर आपको कभी भी कोई भी प्राइस रिवील नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको साइट समझनी होगी, आपको अच्छे से पता है कि अगर CCTV इंस्टॉलेशन करने हैं तो आपके पास में आपको पता होना चाहिए आप कहाँ पर लगाने वाले हो, तो वहाँ पर जाकर आपको देखना पड़ेगा। सो नेवर डिस्क्लोज प्राइस ऑन फोन। और वहाँ पर क्लाइंट बोल देता है, अरे यार आपका तो प्राइस बहुत ज़्यादा है, मैंने तो एक जगह पे फ़ोन किया था वो तो 12,000 बोल रहा है या 10,000 बोल रहा है। ठीक है, अगर आपको वो फिर भी इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं आप प्राइस बताओ, तो एक वाइडर रेंज लीजिए आप, यानी कि एकदम लोअर जो कॉस्ट होती है ना, लोअर में लोअर वो कॉस्ट बताइए। फॉर एग्जांपल कि आपने वहाँ पर बताई सर 9,000 रुपये से सिस्टम चालू होते हैं और वहाँ से लेके 25,000 तक जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी साइट की रिक्वायरमेंट कैसी है, ठीक है, वहाँ पर किस टाइप के कैमराज लग सकते हैं, क्या है, कैसे है, वो मैं आपसे मिलकर फिर ही बता पाऊँगा। ओके, लेकिन अगर यहाँ पर क्लाइंट फिर भी इंसिस्ट करता है, वो बोलता है कि सर हमें तो प्राइस दे दीजिए, हिकविजन का है और मैंने ऑलरेडी प्राइस लेके रखी है,
तो मैं अगर आपकी जगह पर मैं होऊंगा तो मैं मना बोल दूंगा, बोले सर हम इस तरह से काम नहीं करते हैं, सॉरी। यानी कि आपको आपके बिजनेस में ना बोलने की हैबिट आनी चाहिए। आप मना बोल दीजिए, सर सॉरी आपने जहाँ से रेट ले ली है आपको वहां से वन ऑफ द बेस्ट मिल गई होगी, आप वहां से काम करवा सकते हैं, क्योंकि वो क्लाइंट आपसे काम नहीं करवाएगा। ही इज कंप्लीटली ओरिएंटेड विद द प्राइस। वो आपको कंपेयर करेगा फिर अमेजोन से, वो कंपेयर करेगा ऑनलाइन कुछ किसी और से, वो पांच जगह से और प्राइजेस लेगा और आपका टाइम वेस्ट ही करेगा। ओके, सो नेवर डू डैट। वहां पर आपको सीधा सा करना है, आपको उसकी साइट पे जाना है, चाहे वो चार कैमरे की साइट हो, आठ की हो, 16 की हो, 32 की हो, कितनी भी साइट हो, क्योंकि आप आपकी एक्सपर्टीज उसके सामने जाके ही बता पाएंगे कि आप क्या चीज हैं। ओके, सो सबसे पहले आपको अपने खुद पे भरोसा, खुद का कॉन्फिडेंस इस लेवल पे होना चाहिए कि जब आप किसी पर्सन से जाके मिलेंगे तो वहां पर आप उसको इंप्रेस करेंगे, और आपके पास में जो वन ऑफ द बेस्ट नॉलेज है वो आप अगर उसके बिजनेस में इनपुट करोगे, मतलब आप अगर सिक्योरिटी कैमराज लगा रहे हो तो उसको बेनिफिट होने वाला है। आपको तो होगा ही होगा, लेकिन आपके पास में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बेनिफिट सिर्फ मेरा नहीं आपका भी है। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट ट्रिक। सेकेंड के बारे में बात करते हैं कि आप वहां पर चले गए, जाने के बाद में आपने साइट सर्वे किया, साइट सर्वे के बाद में आपको बोलते हैं कि सर कोटेशन बना दो। तो यहां पर दो चीजें होती हैं, एक होता है किसी के पास में बहुत छोटा सा काम है, ठीक है, चार कैमरे लगाने हैं, दो कैमरे लगाने हैं, एक कैमरे लगाना है, इट्स ओके, वेरी रनिंग। तो वहां पर आपको कोटेशन बनाने में डिले नहीं करना है, वहीं पर आपके पास में कोटेशन बुक रखिए ऑलवेज, और या फिर उसी का पेपर लेकर आप कोटेशन वहीं पर बनाइए और उसको वहीं पर फाइनल करने का ट्राई करिए। ऐसा नहीं कि ठीक है मैं आपको कोटेशन बना के देता हूँ, मैं भेजता हूँ, आप फिर वापस ऑफिस जाएंगे, वहां से वापस कोटेशन बनाएंगे और इसके बाद में आप उसको ला के देंगे, नेवर डू दैट। क्योंकि अभी की जो इंडस्ट्री है, आप सब लोगों को पता है, काफ़ी सारे लोग हैं मार्केट के अंदर सीसीटीवीज लगाने वाले, और भी उसके जो यार दोस्त होते हैं ना, जो क्लाइंट होता है उसके बहुत सारे यार दोस्त होते हैं, तो जब वो नया नया कैमरा सिस्टम लगा रहा है तो अपने यार दोस्तों को पूछता है, उसके रिलेटिव्स को पूछता है, भाई तूने किससे लगवाया था, तो उसको जितना टाइम मिलेगा उतने टाइम में आपके हाथ से काम निकलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि अगर वो उसके पहचान वाला कोई और मिल गया तो वहाँ पर उसके पास में भी काम जा सकता है, क्योंकि ये जो काम है वो सब रेफरेंस के थ्रू होते हैं। ओके, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप क्लाइंट के पास में जाते हैं और उसके पास में अगर उसका कोई दोस्त है, उसके पापा हैं, उसके कोई रिलेटिव हैं, भाई हैं, बड़े भाई हैं, नेवर इग्नोर दैम। आप जिंदगी में ऐसे दो कान पकड़िए और बोल दीजिए अपने आप को कि आप कभी भी उन लोगों को इग्नोर नहीं करेंगे। आपसे आपका क्लाइंट डायरेक्टली बात कर रहा है लेकिन साथ में दूसरे भी लोग बैठे हुए हैं, तो उनकी तरफ भी अपनी नज़रें रखिए, उनसे भी स्माइलिंग फेस के साथ में अच्छे से बात करिए, ग्रीट करिए उनको, और उनकी भी हाँ में हाँ मिलाइए। जब आप ये करते हैं तो जो बाजू वाला जो बैठा हुआ बंदा है ना, आपको ये नहीं पता है कि उसका इन्फ्लुएंस आपके क्लाइंट पर कितना है। हो सकता है डिसीजन मेकर वो हो सकता है डिसीजन मेकर उसके पापा हो सकता है डिसीजन मेकर उसका भाई हो, और हो सकता है वो जो दोस्त बाजू में बैठा है अगर, ठीक है, वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो आप उनको उतनी ही रेस्पेक्ट दीजिए, ठीक है, और उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाइए। अगर वो आपको पसंद कर गए, मतलब आपने अपनी इंप्रेशन आपके क्लाइंट पर तो छोड़ी है, लेकिन उसके साथ साथ में अगर आपने आपकी जो इंप्रेशन है वो अगर उस बाजू वाले बंदे पे भी छोड़ी है, तो यहाँ पर भी आपके जो कोटेशन को फाइनल होने के जो चांसेस है, आपके काम होने के जो चांसेस है, वो मैक्सिमम बढ़ जाएंगे। ओके, और अब बात करते हैं कि जो छोटा कोटेशन वहीं पर बनाइए और वहीं पर फाइनल करने का प्रयास करिए। आप उसके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने वहाँ पर देखा, सब कुछ सजेस्ट किया और आपने बोला कि सर चार कैमरे हैं, 15,000 रुपये होंगे या 16,000 रुपये होंगे, थोड़ा सा गैप लेके बोलिए, बोले कि सर कर लेते हैं फाइनल वहीं पर, वहीं का वहीं पे क्लोज। सो इन्हीं चीज़ों में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर, कि कई बार आपको कुछ क्लाइंट ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ ये बोलेंगे, आपने चाहे वहां पर कितने भी अमाउंट का कोटेशन दिया हो, चाहे 15,000 का, चाहे 5,000 का, सर आपकी प्राइस बहुत ज्यादा है। उनका एक ही काम है, उनको कुछ नहीं पता है सिस्टम्स के बारे में, उनको कुछ नहीं पता है कैमरास के बारे में, वो सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं, आपकी प्राइस बहुत ज्यादा है। तो यहां पर कुछ इस तरह के क्लाइंट हैं, उसको अपने हिसाब से टेकल करें। बस कॉन्फिडेंस आपके अंदर ये चीज का होना चाहिए कि आपकी प्राइस सच में बहुत कम है। अगर वो उसके एंड से ऐसा है कि आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, सो उसको कन्विंस करिए कि सर आपसे सस्ता, यानी कि आपसे सस्ता इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता।
गेटिंग माई पॉइंट, जैसे ही आप आपका कॉन्फिडेंटली ये शब्द बोलेंगे सामने वाला बैठ जाएगा और यहां पर आपके जो काम के फाइनल होने के चांसेस है वो कई गुना बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर यहां पर आपका जो छोटा कोटेशन वो नहीं होकर यहां पर आपके पास में निकल के आता है कुछ बड़ा कोटेशन जहां पर आपको बनाना है। एक चीज और, मुझे पता है आप नहीं करने वाले, 100% नहीं करने वाले, क्योंकि वो गट्स आपके अंदर पैदा करना पड़ेगा आपको, ओके? और वो क्या है, आपको आपके कोटेशन के अंदर अवॉइड करिए कि आप कोई मॉडल नंबर डालें, चाहे आप हिक्विजन का दे रहे हैं, चाहे आप दाहुआ का दे रहे हैं, चाहे आप सीपी प्लस का दे रहे हैं, लिखिए दाहुआ एनवीआर, दाहुआ डीवीआर, हिक्विजन डीवीआर, हिक्विजन एनवीआर। ये जो ट्रिक है ना, ये बड़ी बड़ी कंपनियां सब चीजें यूज करती हैं और आप ही लोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब आप इतना डालते हैं ना, इसके बाद में आप ऑब्वियसली अगर सामने वाला क्लाइंट है वो 3-4 जगह पे जाएगा और वहां से वो कुछ लेके भी आएगा, तो यहां पर आपके पास में फिर ऑप्शन बचता है मॉडल नंबर का, कि आपके पास में बहुत सारे मॉडल नंबर हैं जो एक ब्रांड प्रोवाइड करती है, तो यहां पर आपके पास में कार्ड रहता है खेलने के लिए कि अगर सामने वाला अगर वहां पर कुछ चीजें लेके आता है, बहुत सारे मॉडल नंबर लेके आता है, तो यहां पर आप मॉडल नंबर के लिए कार्ड खेल सकते हैं और उस कार्ड के बेस पे आप वो कोटेशन फाइनल करवा सकते हैं। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, मुझे पता है। जैसे क्लाइंट ने बोला ना, आप तो एकदम वो हो जाते हो, क्या बोलते हैं, एक्साइटेड हो जाते हो, और एक्साइटेड होने के साथ साथ में आप सब कुछ अपना जितना भी है ना, जितने भी कार्ड है, जितना भी डिस्काउंट है, सब कुछ एक ही वन शॉट के अंदर आप डाल के दे देते हो, सब कुछ, प्राइस, मॉडल नंबर, ये वो, और पूरा क्लाइंट को इस तरह से एजुकेट करके आओगे ना कि एकदम बस वो खुद जाएगा, चाइना जाएगा, हिक्विजन में जाएगा और वहां से खरीद के ले आएगा। इवन आप लोग तो हिक्विजन का एड्रेस भी देके आ जाते हो। डोंट डू दैट। आपके पास में आपका प्लेइंग कार्ड होना चाहिए और ये हर एक बिजनेसमैन का जन्मसिद्ध अधिकार है। जिस तरह से हर एक क्लाइंट का जन्मसिद्ध अधिकार होता है अलग अलग जगह से कोटेशन लेना, वैसे ही आपका ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि आप आपके जो कार्ड्स होते हैं उनको छुपा के रख सकते हैं। आप कोई गलत नहीं कर रहे हैं, आप छुपा के रख सकते हैं, यही तो बिजनेस है, ओके? आपको ये सब चीजें समझनी पड़ेगी, ओके? सो यहां पर फिर जब वो कोटेशन आएगा, इसके बाद में वो जब मॉडल नंबर की बात होगी, तो अगर वो बहुत ज्यादा इंफेसाइज करता है कि सर आप मॉडल नंबर भी दो, क्लियर कट एक ही चीज, सर मेरी एक्सपर्टीज यही तो है कि आपके वहां पर उस साइट पर क्या क्या चीजें लग सकती है वो मुझे पता है, कौन सा मॉडल मैं लगाऊंगा जहां से आपको ड्यूरेबिलिटी, क्लियरिटी, हर चीज आपको वन ऑफ द बेस्ट मिलेगी, मेरी वही एक्सपर्टीज है, नथिंग इज अदर। अब मैं उसी एक्सपर्टीज का आपसे चार्ज करता हूँ। सो मैं मॉडल नंबर तो रिवील नहीं कर सकता, मैं आपके सामने ब्रांड रिवील कर सकता हूँ। फिर भी अगर आप मॉडल नंबर लेना चाहते हैं तो सर मेरा ये इतना सा एक छोटा सा कंसल्टिंग चार्ज है, अगर वो पे करते हैं तो मैं आपको मॉडल नंबर के साथ में आपको हर चीज़ दे सकता हूँ। दैट्स आई एम डूइंग, मैं ये सब चीज़ें करता हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि आज मैं सिर्फ कंसल्टिंग करता हूँ, मतलब बात करने का मैं चार्ज करता हूँ आप लोगों से। आज रोज के करीबन 8 से 10 मेरे कॉल्स होते हैं, मैं सिर्फ उनको सजेशन ही देता हूँ, मॉडल नंबर ही बताता हूँ कि आपको कहाँ पर क्या चीज़ और कैसे लगानी चाहिए, और उसी का मुझे चार्ज मिलता है, आधे घंटे का, 15 मिनट का। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये आपके अंदर एक गट्स होना चाहिए कि आप इस तरह से क्लाइंट के साथ में बात करें, ओके? और इसके बाद ही वो मॉडल नंबर रिवील करें, वरना फिर यही चीज, जो चीज़ें जिस पचड़े में आप फंसे हुए हो, जिस कीचड़ के अंदर आप फंसे हुए हो, वही चीज़ें आपके साथ में होने वाली है। इसके बाद में जब आप कोटेशन दे देते हो तो वहां से कॉल आएगी या फिर आप फॉलोअप करोगे। फॉलोअप मस्ट आपको करना ही है, हर 2 दिन में 3 दिन में आपको उसको टटोलना ही है, ताकि अगर वो कहीं पर जा भी रहा हो ना तो हमारा कॉल आते ही वो हमारी तरफ वापस से आ जाए, ओके? तो फॉलोअप स्ट्रांग रखिए, और फॉलोअप करने के साथ साथ में अगर वहां पर कहीं पर भी वो बोलता है कि सर इसमें क्या हो पाएगा, अगर उसने ये बोला कि क्या हो सकता है मैंने दूसरी जगह से रेट ली है और आप मेरे इस कोटेशन में क्या कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट लास्ट क्या होगा, तो मैक्सिमम ट्राई रखिए सर मिलके बात कर लेते हैं, वहीं पे हाथों हाथ फाइनल कर लेंगे। यही सब ट्रिक्स हैं, आप जितना मैक्सिमम रिलेशन, जितनी बार ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्लाइंट के साथ में मिलोगे, जितना अच्छा अपना रेपो सेट करोगे, जितना अच्छा रिलेशन उसके साथ में बनाओगे, आपके काम के फाइनल होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। आप जितना मिलोगे उसको पता चलेगा आपके अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है, आपके अंदर कितना नॉलेज है, आप कितने अच्छे स्ट्रांगली रिलेशन बिल्ड करते हो और आप उसको कैसी सर्विसेज देने वाले हो। और एक चीज़ और कि आपके पास में ऑलवेज आपकी जो रेफरल लिस्ट होती है,
आपके जो क्लाइंट की लिस्ट होती है जहां पर आपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काम किया हुआ है वो भी अपने पास में रखिए, और बार बार बोलते रहिए कि जब मुझे यहां पर प्रॉब्लम आई थी तो मैंने ये किया था, जब मुझे यहां पर प्रॉब्लम आई थी तो मैंने ये किया था, उनके वहां पर ये प्रॉब्लम थी तो मैंने ये सॉल्यूशन दिया था। ऑलवेज ट्राई टू डू दैट, ताकि उसको पता चले कि आपका मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा होल्ड है। तो जब आप ये सब चीज़ें शो ऑफ करते हो, जब ये सब चीज़ें बताते हो क्लाइंट को, तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगता है और आपका वहाँ पर जो कोटेशन है उसके फाइनल होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। ये सब ट्रिक्स मैं यूज़ करता हूँ प्रैक्टिकली, इसीलिए मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया। मैंने कोई बहुत बड़ी मैनेजमेंट की बुक्स में से निकाल के ये सब चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ही काम की चीज़ें हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ें यूज़ करते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कोटेशन फाइनल होने में आपको कोई रोक सकता है। 80% की गारंटी तो मैं लेता हूँ जब आप इस तरह से कन्विंसिंग नेचर के साथ में, स्ट्रांग रिलेशन बिल्डअप वाले के नेचर के साथ में अगर आप क्लाइंट से मिलोगे, उस एनर्जी के साथ में जाके अगर आप क्लाइंट से मिलोगे तो क्लाइंट आपको ना बोल पाएगा। मुझे लगता है कि आपको मेरा ये जो वीडियो है वो काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई टेक्नोलॉजी, नए गैजेट्स और नई इसी तरह की चीज़ों को लेकर। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।